नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अमित आनंद अड्डा 24/7 जुडिशी से आज आपके समक्ष खड़ा हूँ एक मुद्दा लेके। मुद्दा है ये ऑब्सिनिटी का। ऑब्सिनिटी होता क्या? ऑब्सिनिटी क्या होता है? ऑब्सीन एक्ट्स, ऑब्सीन एक्ट्स मोरल वैल्यू से थोड़े कनेक्टेड होते हैं। क्या है जो किसी इंसान को सही लगे या गलत लगे, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट भी हो सकता है। इसमें पढ़ते क्या है, इसमें देखना क्या है, आज इन सारे मुद्दों पे आएगी आपको क्लैरिटी। तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू अड्डा 24/7। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो भाई साहब, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में आपको फ़ायदे अनेक मिलेंगे। और ऐप है एक, एक ऐप अनेक फ़ायदे। जल्दी से ये देख लो, सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए ही है। आगे बढ़ते हुए आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन देखा जाए। देखिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। ये स्क्रीन से हटने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि ये पूरी तरह से आपके फ़ायदे के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है। इस ऑफ़र में आप Y707 कोड लगा के कोई भी अपना मन पसंदीदा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब के सब में एक ही आपका लगता है कोड Y707। तो Y707 लगा के फिक्र की कोई नहीं रहेगी बात। जुडिशरी का महापैक, 16 स्टेट, एक तैयारी, एक जगह, एक सिलेक्शन, ये है हमारा वादा। तो देखो, मेहनत करोगे आप, वादा हम करेंगे कि आपका रिजल्ट आएगा। मेहनत करना पड़ेगा 100%। अब देखते हैं आगे। ये कौन है भाई साहब? अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? अच्छा, इनको तो पहचान रहे होंगे, रणवीर सिंह, इनको भी सब पहचान रहे होंगे, हमारे बहुत ही इंडिया के फेमस मॉडल रह चुके हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी है जो कि ऑब्सीन माना गया है। अब यार ये सारे कपड़े कहाँ हैं? तो ये बिना कपड़ों के जो ये फोटोग्राफी हो रही है, इसे ऑब्सीन माना जाता है। पहली बार तो है नहीं। इन मैडम को भी आप पहचान रहे होंगे, बहुत ही चर्चित है ये, अभी बहुत ही चर्चित है। इनकी भी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही न्यूज़ में प्रचलित है। अब एक और आई हैं, जी हाँ ये हैं। इन्होंने दिल्ली मेट्रो में कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहने, दिल्ली मेट्रो में। अब देखो, ये पब्लिक फिगर है, ये भी पब्लिक फिगर है, फोटोग्राफी कराई है, चलो ये भी पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, ऐसा काम गलत, ये पब्लिक प्लेस में ऐसी चल जाती है। दिल्ली मेट्रो में, जी हाँ दिल्ली मेट्रो, मैं भी ट्रैवल करता हूँ दिल्ली मेट्रो से, दिल्ली मेट्रो में ऐसे कपड़े पहनना विच इज़ टोटली रॉन्ग। अब रॉन्ग है तो देखा जाए। दिल्ली मेट्रो ने यहाँ पे एक कमिटमेंट दी है, कमिटमेंट क्या, एक स्टेटमेंट दिया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, नो शी इज़ नॉट उर्फी, दिल्ली मेट्रो आस्क कम्यूटर टू मेंटेन सोशल एटिकेट। भाई साहब एटिकेट मेंटेन करिएगा आप। आफ्टर वीडियो ऑफ स्कैंटली क्लैड वुमेन गोज वायरल, जब ये वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे एक लेडी बिकनी में दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, तो DMRC ने ये स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली मेट्रो और क्या कह रही है, देखा जाए दिल्ली मेट्रो का और क्या कहना है। अ वीडियो परपोर्टेडली शोइंग अ स्कैंटली क्लैड वुमेन ट्रैवलिंग इन अ दिल्ली मेट्रो गॉन वायरल। वायरल तो होना ही है भाई साहब, दुनिया में आजकल कुछ भी वायरल हो जा रहा है, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग द, इस बात पे DMRC ने रिक्वेस्ट किया है अपने कम्यूटर से कि भाई साहब सोशल एटिकेट मेंटेन करें आप। इन द अनडेटेड वीडियो क्लिप की कोई डेट नहीं है, द वुमेन पैसेंजर विथ अ रक्सैक इज सीन सीटेड नेक्स्ट टू अनदर वुमेन इनसाइड अ कोच मेट्रो के अंदर। आफ्टर वाइज शी स्टैंड्स अप एंड वॉक्स व्हेन इट इज सीन दैट शी इज वेयरिंग अ 2-piece आउटफिट। जब वो खड़े होकर जब वो चलने लगी तब पता चला उन्होंने पहना क्या है। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रखा है अभी यूट्यूब पे। Responding to a query over the viral video, the Delhi Metro, in a statement on Monday, कहा है उन्होंने, the DMRC expert expects its commuter मतलब जो ट्रायल कर रहे हैं, to follow all social etiquette and protocols that are acceptable in the society. ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो भी सोसाइटी में मान्य है वैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वैसे सोशल एटिकेट को फॉलो करें। Commuter should not indulge in any activity or wear any attire which could offend the sensibility of other fellow passenger. किसी और को ऑफेंस ना लगे, किसी और को बुरा ना लग जाए कि यार ये क्या पहन के आया है। अब कोई माँ अपने बच्चों को लेके जा रही है और उसके सामने कुछ ऐसे ड्रेस कोई पहने रहे, तो वो अपने बच्चों को बोलेगी बेटा इधर आ जा, होता है ना, ऑब्वियसली होता है।
द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये एक्ट जो है उसके सेक्शन नंबर 59 में ऑब्सेनिटी की बात कही गई है, और इसी सेक्शन 59 को रेफर करते हुए कहा गया है दैट वी अपील टू ऑल आवर पैसेंजर्स टू काइंडली मेंटेन डेकोरम व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक द मेट्रो. हाउएवर इश्यूज सच एज द चॉइस ऑफ क्लोथिंग व्हाइल ट्रैवलिंग इज अ पर्सनल इशू, क्या पहनना है ये एक पर्सनल इशू है, एंड पैसेंजर्स आर एक्सपेक्टेड टू सेल्फ रेगुलेट देयर कंडक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. DMRC ने बहुत ही प्यारे तरीके से ही कहा है, देखो यार हम आपने ऑब्सीन कपड़े पहने सेक्शन 59 में हमने इसे प्रोहिबिट करा है, मगर ये आपका आर्टिकल नंबर 19 में आपके पास अलाउ है, आपको अलाउ किया गया है कि आप अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर पाए, अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाए, फिर भी ऐसे पहने, ऐसे कपड़े पहने जो कि मॉरली करेक्ट हो और एटिकेट है उनमें. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC doing with the State Human Rights Commission has the power to look into the protecting dignity of women in advertisement. अब देखा जाए section 2D of NHRC Act क्या कहता है? States that human rights means the right relating to life, liberty. Liberty वह पे ही ये question आ रहा है, क्या liberty है या नहीं? Equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution. Or embodied in the International Convention and applying by courts in India. तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स आपको ये तो कहता है कि आप अपने लाइफ, अपने लिबर्टी, अपने इक्वालिटी, अपने डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं, मगर क्या ये कपड़े पहनना उसको जस्टिफाई कर रहा है? ये क्वेश्चन मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ. क्या आपको लगता है कि वो जो कपड़े पहने गए थे दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते समय, क्या वो डिग्निफाइड है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो सही है या वो गलत है? आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है या नहीं? आर्टिकल 19 उनका फ्रीडम है, वो जो मर्जी वो पहन सकती है, मगर क्या पब्लिक प्लेस में वो पहनना सही है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसका जवाब आप इसमें थोड़े ब्रीफ तरीके से लिखें कि आपका क्या लॉजिक है, ताकि आप जब आगे पढ़ने, अगर आपको एग्ज़ाम देना है जुडिशरी का, तो यू मस्ट हैव अ थॉट कि आपको कैसे प्रोसीड करना है अपने जजमेंट में. तो अगर ऐसा केस आए और आपके पास ऐसा इशू आए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जवाब भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. धन्यवाद.